सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फोर्जिंग में यूज़ होने वाले ऐसे टूल पर डिस्कस करेंगे जो कि फोर्जिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जैसे कि आप इस देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो टूल है इसको हम एनबिल बोलते हैं, या फिर एनबिल या हिंदी में हम इसको बोलते हैं निहाई। तो हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे, इसके मटेरियल की, इसके पार्ट्स के नाम, और इसका यूज़ हम कहाँ पर और क्यों करते हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसकी एनविल पे। तो एनविल जो गाइस, ये दोस्तों जो एनविल है, एनविल फोर्जिंग में यूज़ होने वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल है। इस पर हम कोई भी हॉट जॉब या कोल्ड जॉब है उस पर हैमरिंग करनी है, पंचिंग ऑपरेशन करनी है, या कुछ भी अदर ऑपरेशन जो हैमरिंग से रिलेटेड है, तो हम इस एनविल पर रख के ही करते हैं, ना कि किसी बेंच वाइस पे ये रख के हम ठोकने लगे, या सरफेस प्लेट पर रख के उस पर चोट हैमर से हैमरिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें इस एनविल का यूज़ करना चाहिए। एनविल को यूज़ करने के लिए, ऐसे आपने देखा यहाँ पर इसके साथ में एक स्टैंड भी आता है, स्टैंड पर रखने के बाद ही हमें इसको यूज़ करना चाहिए। एनविल की बात करें तो जो एनविल हैं वो हमें 80 केजी से लेके 300 किलोग्राम तक में वेट्स में, आपको डिफरेंट वेट्स में एनविल्स आपको मार्केट से मिल जाएंगी, जिसका आप अपनी वर्कशॉप में, फिटर वर्कशॉप या मैकेनिकल वर्कशॉप में, फोर्जिंग वर्कशॉप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसके जो इसके ओवरऑल इसके पार्ट्स के नाम की अगर हम बात करें, तो इसके पार्ट्स के देखेंगे। सबसे पहले नीचे देखेंगे आप यहाँ से, ये इसकी है बॉडी, और जो बॉडी है इसकी, बॉडी की बात करें तो बॉडी कास्ट आयरन और कई बार माइल्ड स्टील वगैरह की भी, यानी मेनली जो होती है वो कास्ट आयरन की इसकी बॉडी बनाई जाती है, जो कि बॉडी आगे ऊपर हमारा जो भी स्ट्रक्चर्स है वो बॉडी पर ही डिपेंड होता है। तो ये इसकी है मेन पार्ट, इसका बॉडी। बॉडी के बाद बात करते हैं इसका ये फेस, ये जो फेस है इसको हम फेस प्लेट बोलते हैं, और ये जो फेस है वो जो फेस प्लेट है ये अलग से एक प्लेट ऐड की जाती है इसमें, ये टूल स्टील की बनाई जाती है हमारी, ये जो बॉडी की जो फेस प्लेट है टूल प्लेट टूल स्टील की बनाई जाती है, और इसी पर रखे हम कोई भी जो हैमरिंग या कोई ऑपरेशन करना है तो इस पर रख के हम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके, ये जो होल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्वायर शेप में एक होल है जिसको हम हार्डी होल बोलते हैं, स्क्वायर शेप में जो है। इस होल के जरिए हम किसी भी फोर्जिंग जॉब में कोई स्क्वायर सैंक वगैरह है, या फिर कोई स्क्वायर रोड वगैरह है, उसको होल्ड करना है, उसको बेंड करना है, तो उसके लिए हम इस होल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, आप देखेंगे यहाँ से इसका नेक्स्ट होल, ये राउंड होल है। इसमें राउंड होल में क्या होता है, इसमें इस राउंड होल में कोई राउंड जॉब है, कोई राउंड गोल छड़ है, उसको सपोर्ट करना है, उसको बेंड करना है, मोड़ना है, तो उसके लिए हम इस होल का यूज़ करते हैं। और कोई कई बार पिन वगैरह फंसे होते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी, हम सपोर्ट करने के लिए भी वो वहाँ पर उस राउंड होल का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद इसकी बात करते हैं यहाँ पर इसकी हॉर्न की, इसको हॉर्न या बीक बोलते हैं, जो कि कई बार सीट मेटल में हमें कुछ बेंड करना है, राउंड करना है, तो उस कंडीशन में हम इसका हॉर्न, इसकी हॉर्न या बीक जिसको बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो पोर्शन दिखता है इसमें, ये इसका हम कटिंग प्लेन, जहाँ पर हमें कई बार छेनी या चीजल के जरिए हमें किसी प्लेट को कट करना है, यहाँ से काटना है, प्लेट सीट्स को कट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कटिंग प्लेट का यूज़ करके यहाँ से छेनी के जरिए हम, यानी चीजल के जरिए काट सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज़ की, जो साइज़ है हम इसकी, जो ये प्लेट है इसकी, जो फेस प्लेट होती है इसकी चौड़ाई से हम इसका एनविल का साइज़ लेते हैं। तो ये सारा का सारा इसका नोमेनक्लेचर, जो भी एनविल जो है हमारे इसका, और यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्या इसके पार्ट्स के नाम है। तो गाइस, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।